शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच महंत मार्कंडे पशुपति उर्फ पंकज त्यागी भी शाहरुख खान की फिल्म का विरोध कर रहे हैं। पठान मूवी को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। पठान मूवी में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पर भगवा रंग का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी फिल्म के विरोध में महंत मार्कंडे पशुपति उर्फ पंकज त्यागी भी आ गए हैं। इस बीच पंकज त्यागी ने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में मुझे शाहरुख खान मिल गया, उस दिन जिहादी के मुंह पर सबसे पहले तमाचा मारने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। इसके साथ ही पंकज त्यागी ने और क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में, देखिए यह खास रिपोर्ट। सर, पठान मूवी को लेकर एक बेशरम रंग गाना है और उसमें भगवा रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर भारी आक्रोश साधु संत समाज में देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? एक काम कीजिए, शाहरुख खान से कहें कि हिजाब पहनवा के ऐसा सीन दिलवाए जो हमारे देश के भगवा रंग को इस प्रकार से दिखा रहा है, वो कितना गिरा हुआ आदमी होगा। क्या बोलते हैं, किंग खान, मेरे अंदर से तो वो देश के ऊपर कालिक है। ऐसे आदमी ने जो उसने एक्टिंग भी करी और वो हीरोइन भी बदतमीज है वो, उसको चल, शाहरुख खान तो मुस्लिम है, तुम तो एक महिला हो, हिंदू महिला हो, पैसों के लिए इतने गिर जाओगे? मेरी ओर से तो जिस भी थिएटर पे भी ये फिल्म आती है उसको आग लगा देनी चाहिए। शाहरुख खान अगर उत्तर प्रदेश में घुसता है तो सबसे पहले झांपड़ मारने वाला आदमी मैं हूँगा, ये वादा है मेरा पूरा। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे धर्म को, भगवा कलर को, इन्हें क्या दिक्कत है, इन्हें कुछ नहीं लगता। ये भगवान रंग को जितना चाहें उतना बुरा बनाएं, इनकी आदत है, नेचर है। मैं तो कहता हूँ कि इसके घर में आग लगा देनी चाहिए, शाहरुख खान के घर में आग लगा देनी चाहिए। ऐसे आदमी को हिंदुस्तान में रहने का यहाँ जगह नहीं। इनके साथ भी वही काम होना चाहिए जो बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्याओं के खिलाफ होता है। साधु संत समाज ने अपने अपने अनुयायियों से सौगंध और शपथ दिलाई है कि इस फिल्म का, इस गाने का ही नहीं, इस पूरी फिल्म का बहिष्कार किया जाए। तो मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इस फिल्म को कोई भी मेरा हिंदू भाई ना देखे ना हॉलों पे चलने दे। अगर अब भी अगर हिंदू भाई नहीं जागता तो बेकार है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।